किसे ब्लैकमेल कर? शायद अब टिकट को लेकर के या ऐसे हम जब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, फिर टिकट के मामला का? टिकट तो हमारा आज भी क्लियर है, टिकट तो भारतीय जनता पार्टी आज भी मुझे दे रही है, लेकिन मैं उस भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे लेके आप एक बार तहत प्रेस को लोग बैठे, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कौन सा काम लेके गाँव में वोट मांगने जाएंगे? क्या उन्होंने एक सड़क बनाई? क्या उन्होंने गाँव का विकास किया? बिजली विभाग ने गांव के लोगों को लूट के रख दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि आधी आप बिजली का रेट आधा उन्होंने बता दें कब दिया? आप एक बार बताइए, 5 साल तक आप लूटते रहे, 5 साल तक आप दुगना बिजली बिल देते रहे, और जब चुनाव आ गया तब आपको याद ही आधे कर दें। आपने 5 साल तक एक लैपटॉप की योजना जो युवाओं को एक नया सपना सच करने का एक मौका दे सकती थी, 5 साल तक आपने बंद किया, और जब चुनाव के 15 दिन रह गए तब आप सबको लैपटॉप बांटने लगे। तो लोग समझदार नहीं है क्या? लोग जानते नहीं है जिस गाय के नाम पर सरकार बनाई उस गाय की दुर्दशा कितनी है? तो कितने सदस्य आपके साथ इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनपद इटावा में प्रदेश की रानी तुम्हारे नेता करेंगे, जनपद इटावा में तीनों सीटें हरानी है, तीनों सीटें हरा के ही हम लोग दम लेंगे। और जो कार्यकर्ता आज मेरे छिड़क सिर्फ फोन से बातचीत में आज सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ आ गए हैं, इनके साथ आज हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तमाम बूथों पर, तमाम सेक्टरों पर कार्यक्रम होंगे और भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं को छुड़वाकर सही जगह मौर्य जी के साथ अपने नेता के साथ ले जाके कार्य करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को तीनों सीटें जनपद इटावा में हरवाने के ही दम लेंगे। आज कितने सदस्य आपको नेतृत्व दिए हैं, कितने सदस्य लोग हैं? जिन लोगों की फोन से वार्ता और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, संख्या लगभग 3 दर्जन लोग हैं, 2 से 3 दर्जन लोग हैं जो मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें प्रमुख तौर पर पदासीन कौन कौन है जिनको जिम्मेदारियाँ दी? ये पदासीन जैसे सभासद है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आप पूरे सैफई सरियर मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं मन्नू यादव जी, आप सैफई मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं राहुल जी, और ताखा से अपने कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं संघ के, पूर्व में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े मंजीत जी, और वहाँ जितने सेक्टर संयोजक या शक्ति केंद्र प्रमुख जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और मंडल के पदाधिकारी सबकी लिस्ट है, वही सब लोग आज हैं। आज बूथ से नीचे का कोई पब्लिक का कार्यकर्ता नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी के तो रहे। कितना नुकसान हो गया भाजपा जी? अभी नहीं, जब तक आपके पूरे ना हो जाए साथ मिलकर, तब तक पूरे कैसे होंगे बताइए। देखिए, मैं एक बात प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय लोगों कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियों के बलात्कार कहाँ से हो रहे हैं जिनके न्यूज में आ रहा है, लोग कह रहे हैं अपराधी सब टूट गए चले गए, इन्होंने घर तोड़ दिया, बुलडोजर बाबा का तैयार है। अगर बाबा का बुलडोजर तैयार है तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रिया सिंह का घर नहीं टूटा, यहाँ सिर्फ मुख्तार अंसारी और इन लोगों के घर टूटे हैं, लेकिन जो सजाती टॉप 10 में उत्तर प्रदेश में लोग हैं, बाबा का बुलडोजर उधर तो टूटता भी नहीं। इस सरकार के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपनी दुश्मनी निपटाने का काम किया है, न कि किसी को गुंडे खिलाफ काम करना, इसलिए बाबा का बुलडोजर सिर्फ उनके विरोधियों पर चलता है, गुंडों पर नहीं चलता, गुंडों को पालने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। अब आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो टिकट इनको नहीं मिलना था, इसलिए भी इन्होंने ये इस्तीफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के अगर टिकट नहीं मिलना, ये कोई घोषणा क्या की है भारतीय जनता पार्टी? अभी एक ही उत्तर प्रदेश 403 में से एक भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्लियर नहीं किया, तो ये कैसे पता किसी कट रही है आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैसे पता? ये तो भारतीय जनता पार्टी जब लोग चले जाते तब कहती है। कुछ नाम ऐसे साबित हो रहे हैं जिनके मतलब नाम काटे जा रहे हैं, इसीलिए इस्तीफा दिया है। देखिए, पहली बात तो मैं विधायक 48 में हूँ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी पर प्रत्याशी यशवंत नगर में पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। टिकट काटने की बात यह है कि देखिए, राजनीति समाज और धर्म नीति से बड़ी नहीं है, पहले समाज और सम्मान, और जिस पार्टी में सम्मान ही नहीं है, जिस पार्टी में समाज के लिए काम नहीं कर सकते, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिस्ट पर काम करिए, जो ऊपर से परफॉर्म आ जाए तो उसी पर काम करोगे, तो हम लोग बधुआ मजदूर नहीं है, तो समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं और सर्व समाज के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस चुनाव में आप मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य इस चीज़ का निर्णय करेंगे कि वो हमको चुनाव में लड़ाएंगे, उतारेंगे
या किसी को दल में जाएंगे या हमको पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। हम अपने नेता के साथ हैं, अगर वो जैसा हमारे साथ लिए आदेश करेंगे, जिस पार्टी के लिए आदेश करेंगे, हम उस पार्टी के प्रत्याशी के लिए, उस पार्टी के लिए कार्य करेंगे, चाहे वो दल कोई भी। आपकी व्यक्तिगत पार्टी कोई पसंदीदा पार्टी है? नहीं, मेरे मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो ये हमारे पसंदीदा है, वो जिस पार्टी में, भाई पसंदीदा पार्टी है। जब आपने भाजपा ज्वाइन की थी तो आप पार्टी की नीतियों से प्रभावित हुए थे या स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे इसलिए आप भाजपा में? देखिए, जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, उनसे मैंने पहले ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करके हम भारतीय जनता पार्टी में गए, और जो नीतियाँ उन्होंने कहा सबका साथ और सबका विकास, उनका ये झूठा दावा, सिर्फ सबका साथ तो दिया, विकास सिर्फ उन्होंने अपना दिया। आज हमारे वो नेता है, आज मेरे वो नेता है, उनके साथ में थे वो, बसपा में थे, आपकी बसपा में थे। हाँ, बसपा से मैं 2012 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था, इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग छोड़कर आने वाले 2022 के चुनाव में आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ रहेंगे, वो जिस दल में रहेंगे उस दल में रहेंगे और सर्व समाज के लिए काम करेंगे। इसी के साथ मेरा